लव स्टार्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। देखो आज मैं कहाँ खड़ी हूँ, देखो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ आज मम्मी के घर पे, तो यहाँ पे बहुत शोर शराबा लगा पड़ा है, तो मैं कुछ बोलना चाहती हूँ तो बीच में कोई ना कोई बोल रहा है। देखो अभी मैं बात कर रही हूँ तो ये बीच में बोल रही है चुप करो, देखो है ना। तो आज कुछ ऐसा है, तो हाँ जी हेलो गाइस सबको, जय श्री कृष्ण। तो आज है गणपति विसर्जन, तो उसके लिए हम सब लोग हो रहे रेडी। देखिए कहाँ खड़ी हूँ, मैं खड़ी हूँ मम्मी के घर पे। मम्मी के घर पे क्यों आई हूँ, मम्मी के घर पे मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि आज हम सब ने कुछ अलग लुक दिया है। क्या बोलते हैं दीदी इसको, बोल भाई मुझे नहीं बोलना था ये बोल। हाँ तो नवारी साड़ी पहनी है, नहीं बात करने दे रहे, नवारी साड़ी पहनी है सबने, मुझे तो बोलने भी नहीं आ रहा, तो आज ही मैंने वो वाली साड़ी पहनी है, तो सबने पहना है। देखो मेरी बड़ी सिस्टर ने, पिया ने, नेहा नेहा देखिए, तो देखिए ये साड़ी हमने पहनी है, आजा आजा आजा, तो आज सबने ये वाली साड़ी पहनी है क्योंकि आज भैया गणपति बप्पा का विसर्जन है। और एक बात, साड़ी तो पहन ली लेकिन पहनने नहीं आती थी, तो हमको किसने पहना है, हमें पहना है साड़ी ये। हाँ देखिए दीदी को थैंक यू बोल रहे हैं, तो ये है हमारी बाला दीदी और ये मराठी है, तो इनको साड़ी बेस्ट पहनने आती है, तो इन्होंने ही पहना ये भी है, ये स्वामी भी है। ये चिन्ना स्वामी कब से लड़कियों के बीच में आया, तू क्यों आया लड़के कब से लड़कियों के बीच में, थैंक यू दीदी इतना टाइम देने के लिए सबको साड़ी पहनाने के लिए। ये दीदी बहुत प्यारे हैं सच्ची, इतना टाइम देके देखो टाइम लगा सबको साड़ी पहन के, ऐसा कौन करके देता है, इन्होंने करके दिया, थैंक यू। तो चलिए सब लोग रेडी हो गए हैं, बस अभी जा रहे हैं घर पे, मेरे नक्शु और संदीप घर पे ही है, तो अभी मैं भी निकल रहा हूँ, पता हूँ मैं अभी यहाँ पे बात सुना ही नहीं रहा। चलो इसने नहीं पहनी, आती पहन पक्का, इसकी थोड़ी तबीयत ठीक, इसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज थोड़ा ऐसा लग रहा है, बीच में संदीप बोल रही है, तो रेडी होके आ जाओ, मैं यहाँ पे सुना नहीं रहा, मैं आ गई, आ गई हूँ किचन में, तो सुबह से लगे पड़े थे तैयारी में, मैं ऑलमोस्ट घर पे तैयारी करके आ गई हूँ, बस मुझे रेडी होना था, तो नक्शु और संदीप घर पे ही हैं, बस अभी मैं भी जा रही हूँ घर पे, तो चलिए मिलती हूँ आपसे घर पे मैं अपने। तो आ गए हैं घर पे और अभी सबका चल रहा है फोटो सेशन, पार्थ बनाए फोटोग्राफ, फोटो पार्थ बनाए फोटोग्राफर, और सबके निकल रहे फोटो, तो यहाँ पे अभी सनलाइट अच्छा हो रहा है, तो सब फोटो निकल रहे हैं, अभी रेडी हो गए हैं।
का विसर्जन गणपति बापा का, और एकदम अभी घर इतना सुना सुना लग रहा है, यहाँ पे बैठे थे 10 दिन, इतनी रौनक लग रही थी और अभी ऐसे सुना सुना लग रहा है। ऐसे लगता था जैसे 10 दिन हमारे साथ में, जैसे कोई नहीं आते मेंबर हमारे साथ रहते हैं फिर जाते हैं तो कैसे खाली खाली लगता है, तो आज ऐसे लग रहा है ये। और अभी अभी सब लोग जो जितने लोग आए थे मेहमान सब लोग अभी बारी बारी से वो भी लोग चले गए, मैंने भी चेंज कर लिया है। और नक्शु का सुबह से पता नहीं क्या हुआ है तो उसके सिर में दर्द है, तो नक्शु ने आज इतना एंजॉय नहीं किया, डांस वांस हमने बहुत की, नक्शु आज चुप चुप बैठा था, उसके सिर में आज सुबह से पता नहीं क्यों दर्द हो रहा था। और दोपहर में खाना भी नहीं खाया ना तूने, नक्शु को दुख हो रहा था आज गणपति बापा का विसर्जन है ना, इसलिए है ना, इसलिए उदास हो गया था सुबह से आज नक्शु, दोपहर में खाना भी नहीं खाया नक्शु ने, है ना बेटा। अभी मुझे बोल रहा था मम्मी इतना खाली खाली लग रहा है, ऐसे कैसे मस्त लग रहा था, और हाँ ऐसा ही लग रहा है मुझे तो सच में रोना आ रहा था, जब रोना आ गया था जब उनका विसर्जन हो रहा था ना तभी। हाँ अभी ये छोटू से, वैसे तो देखिए कहीं जाते नहीं है गणपति बापा, सबके दिल में होते हैं, सबके घर में होते ही है, लेकिन ये जो 10 दिन होते हैं ना ये ना कुछ अलग ही अनुभव होता है गणपति बापा का घर में, मतलब एक अलग ही रौनक होती है और अलग ही आनंद होता है, तो वो आनंद जैसे एकदम से गणपति खाली खाली लगने लगता है फिर, है ना। ये तो छोटू से गणपति है, और हमने जो गणपति की मूर्ति अभी पानी में विसर्जन की थी घर में ही की थी, वो भी धीरे 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 अभी पानी में वो भी धीरे धीरे पानी में, देखिए पानी में पूरी पूरी पानी में ना चली गई है। और वैसे ना मेरे घर पे यहाँ पे कहीं भी छिपकली नहीं है आज, पता नहीं क्यों जब से ये गणपति बाबा यहाँ पे विसर्जन किए ना तब से वहाँ पे एक छिपकली है, वो कब से वहीं पे बैठी हो यहीं पे घूम रही है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए ये है ना ये छिपकली बैठी है और कब से यहीं पे घूम रही है और इतनी एरिया में आगे पीछे हो रही है। गणपति बाबा की मिट्टी की मूर्ति है तो पूरी नीचे मिट्टी की मूर्ति पूरी बैठ गई है। चलिए गणपति बापा सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, हमारे घर पे भी बनाए रखे, सबको सुख समृद्धि दे, हमारे घर में भी घर के ऊपर भी बनाए रखे। इसी आशा के साथ आज का ब्लॉग को एंड आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय। तू कर दे चल, बाय। बोलो गणपति बापा मोरिया, अभी खत्म।